गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग अंशिका। वो ट्राई किया था ना, वो मैंने तेरे को लिख के भेजा हुआ वाला, सर उसमें मुझे डी थीटा समझ में आया, वो कैसे आया? यस सर। डी थीटा तो उसमें कहाँ था यार। हाँ मैं वापस चेक करता हूँ। तो शाम को अपन डाउट क्लास रखेंगे ना, तो उसमें मैं तेरे को है ना स्क्रीन पे सॉल्व करके सिखा दूंगा कि मैंने सॉल्व किया कैसे। ठीक है, ओके सर। तो ओके तू वैसे ही देख ले, यस सर। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या थोड़ा सा वो थोड़ा सा टफ है, तो एक बार तुम मुझे करते हुए देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसे करते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, ओके सर। आद्य आप ज्वाइन कर लिया, पहल। अच्छा ठीक है, अच्छा एक सेकंड ना, एक ना ज्वाइन कर रहा है। सर हाँ पहल, हाँ मैंने तेरा मैसेज मेरे को पढ़ा। तो बिल्कुल ही नहीं आ रही समझ। अरे सर ऐसा थोड़ी, 10 में से एक तो हुआ होगा। पहले 5 नहीं हुए थे, फिर मेरे को भी लगा था कुछ आ ही नहीं रहा तो रहने। सर अरे ऐसे थोड़ी होता है, देखो ट्राई तो करना पड़ेगा। मैं वापस कॉल करूंगी नहीं ट्राई सर। करना, मैं अपन शाम को डाउट क्लास रखते हैं, यस उसमें तुम पूछ लेना। ठीक है। अच्छा आदि आपको आवाज आ रही है मेरी? सर। ओके चलो, देखो आज तो बेसिकली है क्या, आज तुम्हारी फिजिक्स चालू हो रही है, तो अब तक तुम जो कर रहे थे वो पता नहीं क्या था, बट आज तुम्हारी मेन फिजिक्स चालू हो रही है। तो फिजिक्स में जनरली मैं चालू करता हूँ 1 डायमेंशनल मोशन से, और वेक्टर अलजेब्रा मैं तुम्हें बाद में पढ़ाऊंगा 1D के बाद, क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज अपन पढ़ेंगे स्पीड और डिस्टेंस। देखो अब ऐसा है कि अब से तुम्हें बहुत सारे टॉपिक बहुत आसान भी लगेंगे, बहुत सारे टॉपिक तुम्हें टफ भी लगेंगे, लेकिन है क्या कि अब से अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज पहले अपन डिस्टेंस पढ़ते हैं, फिर अपन स्पीड पढ़ते हैं। और देखो कई बार क्या होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर ये सब तो हमें पता है, तो ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो भी एक सिक्वेंस होता है नॉलेज का कि आपको ये सीखते जाना है, तो कुछ भी आपको आता हो नहीं आता हो आपको लिखना जरूर है। तो लिखो पहले अपनी कॉपी में टॉपिक, लिखो डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम लोग जैसे अपने इंडिया में कितनी किताबों में टोटल पाथ लेंथ लिखा जाता है, टोटल पाथ लेंथ। तो याद रखना डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। और याद रखना डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड या ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तो इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में इसका मतलब है कि डिस्टेंस का मतलब है कि इंसान कितना चला। एक ही मतलब होता है इंसान, कि इंसान कितना चला। तो डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ का मतलब है कि आदमी चला कितना। अब आदमी इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में चला, मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि वो चला कितना। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, चाहे इंसान नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, वेस्ट में जाए, ईस्ट में जाए, कहीं पे भी जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट मीटर है, और इसका मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और याद रखना डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर इंसान चलेगा तो डिस्टेंस होगी, इंसान नहीं चलेगा तो डिस्टेंस नहीं होगी। नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात तो कर ही नहीं रहे। तो इंसान चलेगा तो डिस्टेंस होगी, इंसान नहीं चलेगा तो डिस्टेंस नहीं होगी, बात खत्म। तो ये होता है डिस्टेंस का मतलब। तो याद रखना डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसा यूनिट मीटर है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस से रिलेटेड 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है नंबर लाइन का, नंबर लाइन क्वेश्चंस। तो नंबर लाइन के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, अब तुम ध्यान से देखना। सपोज करो कि अपने पास ये कोई लाइन है, मान लो ये 0 है, मान लो ये 10 है, मान लो ये 20 है, मान लो ये 30 है, मान लो ये -10 है, मान लो ये -20 है, मान लो ये -30 है। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बंदा है वो भी यहाँ पे खड़ा है -20 पे, मान लो वो यहां से चल के यहाँ पे जाता है, मान लो ये बी है, मान लो वो टर्न लेके यहाँ पे आता है, सपोज करता हूँ वो सी है, तो आपको बताना है कि ए से लेके बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया।
फिर आपको बताना है बी से लेके सी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर आपको बताना है कि ए से लेके सी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये तीन चीजें आपको बतानी है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि इंसान चला कितना। तो आप मुझे बताओ ए से लेके बी तक वो कितना चला, देखो 10 10 10 10, ए से लेके बी तक वो कितना चला, 40 मीटर चला, ठीक है। बी से लेके सी तक कितना चला, देखो पहले 10 यहां पे आया 10 यहां पे आया, कितना चला, 20 मीटर चला। तो 40 नीचे चला, 20 ऊपर चला। फिर तीसरा मैंने पूछा कि बताओ ए से लेके सी तक कितना चला, तो वो ए से लेके सी तक कैसे पहुंचा, पहले ए से बी गया फिर बी से सी आया, तो 40 आगे 20 पीछे, तो कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आगे जाके पीछे आया, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि वो चला कितना, चाहे आगे चाहे पीछे। तो इसलिए ध्यान से देखो, आपकी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आपकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो ये आपके नंबर लाइन के क्वेश्चन है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है आद्या, पहल, अंशिका, कोई डाउट है तो पूछो। डिस्टेंस का मतलब है इंसान चला कितना, तो इंसान आगे जाए या पीछे जाए हमने उससे कुछ नहीं करना। तो ये होते हैं तुम्हारे नंबर लाइन के क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो, इसका सिंपल क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा करते कैसे। सपोज करो कि ये कोई नंबर लाइन है, मान लो ये 0 है, मान लो ये -10 है, मान लो ये -20 है, मान लो ये -30 है, मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। और सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक बंदा है वो यहाँ पे खड़ा है, मान लो वो पहले यहाँ से 20 पे गया, फिर घूम के 10 पे आया, और मान लो फिर घूम के 30 पे गया। तो आपको मुझे बताना है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको मुझे बताना है कि ए से लेके सी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर आपको बताना है कि ए से लेके डी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ट्राई करो कितना आएगा। डिस्टेंस का मतलब है इंसान चला कितना, करो ट्राई करो। और यहां पे जो टर्न ले रहा है ना, इस टर्न को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 है, ये 10 है, ये 30 है, और ये 20, ये -20 है। ट्राई करो क्या आया इन दोनों का आंसर। कितना आ रहा है, ए से लेके सी तक कितना है, ए से लेके डी तक कितना है। तो पहले तो वो ए से बी गया, तो कितना चला, 10 10 10 10 40, फिर बी से सी आया, कितना चला, खाली 10, फिर सी से डी गया, 10 और 10 20, तो कितना हो गया, 40 50 60 70। मतलब ए से लेके सी तक तो 50 हुआ, ए से लेके डी तक 70 मीटर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। पहले समझ में आया कि डाउट है, अंशिका, आद्या, क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। यस सर। ठीक है यार, एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम आराम से कर लोगे, एक इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि आपका पाथ मान लो दिखने में ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो तुम्हें दे रखा है कि ये 6 मीटर है, मान लो ये एक सर्कल है, ये 2 मीटर का मतलब सेमी सर्कल है, फिर वापस मान लो 6 मीटर है, और मान लो कि तुम्हें ये दे रखा है 2 मीटर 2 मीटर, और मान लो ये तुम्हें वापस 4 मीटर दे रखा है। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ अगर एक इंसान ए से लेके बी तक इस रास्ते से आता है, तो आपको बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस चला, कितना आएगा, सोचो कितना चला, फिगर देख के तुम्हें पता करना है। तो अगर तुम्हें एरो दे रखे मतलब तुम्हें पूरा सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है, तो यहां से लेके यहां तक कितना आ गया, 6 आ गया, फिर ये सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का आधा, तो पाई आर, तो पाई इंटू 2, फिर 6 और चला, फिर कितना चला, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 और हो गया, और फिर 4 और हो गया। ये आपका आंसर है। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट है इसमें तो पूछो।
कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चन? नो डाउट सर, आया समझ में? अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे करके बताओ। सपोज करो, देखो ऐसे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे यार, ये तुमने बचपन से देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ, मान लो कि ये अर्थ है और मान लो कि अर्थ का रेडियस आपको आर दे रखा है। मैं तुम्हें बोलता हूं कि एक बंदा है वो नॉर्थ पोल पे खड़ा है, पहले वो नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आता है, तो पहले वो नॉर्थ पोल से इक्वेटर आता है और फिर वो पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाता है और वापस यहीं पे आ जाता है। तो मान लो ये नॉर्थ पोल से पहले इक्वेटर पे आया, फिर पूरे इक्वेटर का एक चक्कर काटता है और वापस यहीं पे आ जाता है। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना होगा इसका आंसर सोचो। इसके चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ए बी सी डी, 3πr, 2πr, 5πr/4 या नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर सोचो। एक इंसान पहले नॉर्थ पोल पे है, वो इस तरीके से चलते 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 कहां पे आता है, इक्वेटर पे आता है, फिर इक्वेटर पे आके एक पूरा चक्कर काटता है इस तरीके से अर्थ के इक्वेटर का। तो आपको बताना है कि उसने बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर किया। तो क्या होगा इसका आंसर सोचो। कितना रहा है अंशिका? पहल कितना आ रहा है? आद्या और कुछ तो आ रहा होगा सर, 2.5πr। 2.5πr ठीक है, और कितना आ रहा है, और बाकी किसका कितना आ रहा है? देखो यहां से यहां तक आया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये डिस्टेंस होगी तुम्हारी πr/2। क्यों होगी? क्योंकि ये पूरा लेंथ कितना होता है 2πr, और मैंने खाली ये पूछा कि यहां से आया तो πr/2, और फिर यहां पे एक चक्कर पूरा काटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। तो वो टोटल कितना चला, 2πr + πr/2 करेक्ट। तो ये आ जाएगा 2.5πr। आया समझ में? पहल क्लियर हुआ? आद्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर आप पूछो पहल। सर जब सेमी सर्कल का सर पायर अपॉन टू तो समझ आ गया, लेकिन वो दूसरा वाला सर क्या फॉर्मूला लगाया उसने? 2πr, क्योंकि देख इक्वेटर पे आके घूमेगा, तो तू मुझे बता अर्थ के इक्वेटर पे कोई घूमेगा तो वो गोला ही तो होगा, पर अर्थ का रेडियस आर है तो वो कितना घूमेगा, 2πr। नहीं समझ में आया कि आ गया? ओके अच्छा एक इसमें आते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, अब इसमें क्या होता है, देखो मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि इफ एक्स इक्वल टू टी क्यूब कॉमा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। तो क्वेश्चन यह है कि अगर आपको दे रखा है कि एक्स इक्वल टू टी क्यूब है, तो आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में वो कितना चला। देखो कैसे करते हैं, पहले आप चेक करो कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपना पार्टिकल है कहाँ पे। तो एक्स क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा, ये आ गया 8 मीटर। मतलब अगर मान लो नंबर लाइन बनाओ तो टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे अपना पार्टिकल कहाँ है, एक्स इक्वल टू 8 पे है। फिर चेक करो कि टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ है, तो एक्स क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा, ये कितना आ जाएगा, 64। मतलब टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपका पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, 64 पे। तो 2 और 4 सेकेंड के बीच में कितना चला, इतना ही चला, तो आपका आंसर कितना आएगा, 64 - 8, तो कितना आंसर आया, 56 मीटर आया।
आया तुम्हें समझ में? तो अगर तुम्हें कोई इक्वेशन दे रखी है तो तुम्हें इक्वेशन से समझना है कि अलग अलग टाइम पे आपका पार्टिकल कहाँ पे है, और फिर आपको इस तरीके से डिस्टेंस निकालनी होती है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। अंशिका कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया। पहल आद्या कोई डाउट है? नो सर आ गया सर। ओके तो ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करो। इफ x इक्वल टू 2 sin t फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू पाई बाय 2 सेकेंड। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री होता है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सर 2 मीटर्स करेक्ट है। चेक कर पहल कितना आ रहा है, आद्या कितना आ रहा है। चेक करो टाइम इक्वल टू 0 पे वो कहां पे है, चेक करो टाइम इक्वल टू पाई बाय 2 पे वो कहां पे है। सर 2 मीटर्स। हां करेक्ट है। टाइम इक्वल टू 0 पे कहां पे होगा, x इक्वल टू 2 sin 0, और अगर तुम्हें याद नहीं हो तो sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आ गया। फिर चेक करो टाइम इक्वल टू पाई बाय 2 पे कहां पे, तो 2 sin t की जगह आ जाएगा पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 क्या होता है, 1, तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो कितना चला, 2 माइनस 0, तो आपका आंसर कितना आया, 2 मीटर आया। डाउट है तो पूछो। पहल समझ में आया देखो कि नहीं समझ में आया? ओके यार। अच्छा डिस्टेंस के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। अच्छा कोई डाउट नहीं है। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है। किसकी बात करते हैं अपन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इसमें तीन रूल्स हैं। पहला रूल आपको ये याद रखना है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल चलता है तो डिस्टेंस होती है, अगर पार्टिकल नहीं चलता है तो डिस्टेंस जीरो। तो अगर पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, है ना। डिस्टेंस कभी ऐसे घूम के वापस नहीं आ सकती। तो अगर मान लो कोई तुम्हें ये पूछे कि क्या तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तक करेक्ट है, यहां भी करेक्ट है, यहां भी करेक्ट है, यहां भी करेक्ट है, लेकिन आपका ग्राफ ऐसे नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस होगी, पार्टिकल नहीं चलेगा तो डिस्टेंस जीरो होगी। डिस्टेंस घट कैसे सकती है यार? अगर मैं बोलूं कि पहले पार्टिकल 10 मीटर चला, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल 20 मीटर और चला, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर पहले डिस्टेंस 10 मीटर थी और बाद में 20 और चला तो 30 हो गई, क्या ऐसा कभी घट सकता है क्या? घट तो सकता ही नहीं है। इंसान और चलेगा तो ये और बढ़ता जाएगा, और चलेगा तो और बढ़ता जाएगा, तो आपका डीटी ग्राफ वापस ऐसे लौट के नीचे कभी नहीं आ सकता। इस तरीके से डीटी ग्राफ हमेशा इस तरीके से ऊपर ही जाता चला जाएगा, कभी भी ग्राफ ऐसे लौट के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो अपनी कप में पहला रूल लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली ऐसा ग्राफ बनाओ और ऐसा करके लिखो कि भैया ये नीचे नहीं आ सकता, ये आपका पहला रूल है, लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये पहला रूल है कि आपका डीटी ग्राफ ऐसे नीचे वापस कभी नहीं आ सकता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो अगर मान लो कोई तुम्हें डीटी कर्व ऐसा देता है, तो याद रखना यहां पे गलती है, आपकी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डिस्टेंस आप कभी भी नेगेटिव में नहीं लेके आओगे, तो यहां पे ये गलती है, लिख लो अपनी कॉपी में। डिस्टेंस कैन या डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और तीसरा रूल याद रखना वो है ये
कि अगर मान लो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो आपका ग्राफ कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। मतलब तुम बोलोगे सर आपने अभी तो पढ़ाया, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन ये लाइन एकदम वर्टिकल नहीं हो सकती। मतलब ये ऐसा परपेंडिकुलर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ये एकदम वर्टिकल है तो इसका मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट स्पीड पॉसिबल नहीं है, तो आपका ग्राफ कभी भी ऐसा वर्टिकल नहीं हो सकता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब मैं तुम्हारे लिए ये चीज छोड़ रहा हूं कि तुम सोच के बताना कि इस वर्टिकल लाइन का मतलब स्पीड इंफिनिटी क्यों हुआ। तुम सोचना इसको। अंशिका तुम्हें इसका मतलब समझ में आया कि इस वर्टिकल लाइन का मतलब स्पीड इंफिनिटी क्यों हुआ? स्लोप को डिफाइन नहीं कर सकते 90 डिग्री के लिए, इसलिए। हाँ, तुमने एक वर्ड यूज किया स्लोप, जो बहुत सही वर्ड है। बेसिकली स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, और यहाँ पे स्लोप आएगा तेरा 90 डिग्री और टेन 90 इनफाइनाइट होता है, स्पीड इनफाइनाइट हो जाएगी। तो तीन रूल क्या है? पहला रूल है कि आपका ग्राफ नीचे नहीं आ सकता, दूसरा रूल है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तीसरा रूल है कि आपका ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। और मैं इसको थोड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इसको ऐसे समझना, एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड। ओके, अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊं तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये पूछूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ऐसा है, और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि यहां पे डिस्टेंस 10 मीटर है और यहां पे डिस्टेंस 20 मीटर है, और मान लो ये टाइम मैंने तुम्हें 10 सेकंड दे रखा है, तो तुम यहां पे ध्यान से देखो यार, एक चीज ध्यान से देखो कि 10वें सेकंड पे तुम्हारी डिस्टेंस 10 मीटर भी है, 10वें सेकंड पे तुम्हारी डिस्टेंस 20 मीटर भी है। तो 10वें सेकंड पे आपका पार्टिकल अचानक 10 से 20 चला गया। मैंने क्या वर्ड यूज किया? अचानक। तो मतलब स्पीड क्या होता है? अच्छा, स्पीड पे मैं आया नहीं हूं, बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 10वें सेकंड पे आपका पार्टिकल अचानक 10 से 20 गया, मतलब डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 10। और 10वां सेकंड मतलब आपने बिल्कुल टाइम तो लिया ही नहीं, तो टाइम आपने कितना लिया? करीबन 0, और 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो एकदम पार्टिकल इतना जंप नहीं ले सकता वर्टिकल वाला, क्योंकि अगर ऐसी लाइन है इसका मतलब आपकी स्पीड क्या? इंफिनिटी, जो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें समझ में आया कि कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेक्ट है कि नहीं? आपके दिमाग में तीन रूल हमेशा तैयार होने चाहिए। उन तीन रूल को देख के आप समझा सकते हो कि आपका करेक्ट है कि गलत है। किसी को इन तीनों रूल्स में कोई डाउट है तो पूछो। आद्या, कोई डाउट है? पहल, अंशिका, कुछ भी पूछना है तो पूछो। नो सर। नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो तुम मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा वाला करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर करेक्ट? तो आपको बताना है कि इन गिवन में से कौन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेक्ट है। ए बी सी डी, विच वंस कर रहा हूं, मतलब मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। बताओ इन चारों में से कौन से करेक्ट है। इसका आंसर मल्टीपल भी हो सकता है ना। क्या आ रहा है अंशिका, पहल, आद्या, क्या आ रहा है? कौन से करेक्ट है बताओ जरा। सॉरी, ए एंड बी आर करेक्ट। ये गलत है क्योंकि नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन है। ये गलत है क्योंकि नीचे जा रहा है। आया समझ में अंशिका? कोई डाउट तो नहीं है बेटा कि समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है यार, देखो ये डिस्टेंस है यार,
अब इससे ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस के मैं नहीं देखा आज तक, ठीक है। अब अपन आते हैं स्पीड पे, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी पे, स्पीड। तो स्पीड बेसिकली होता क्या है, स्पीड का मतलब है टोटल पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, और याद रखना स्पीड जो होती है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, ताकि स्पीड भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लिख लो अपनी कॉपी में, पूछो सर D और T का ग्राफ जरूरी है हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए या कैसा भी कर्व आ सकता है? B और D कौन सा वाला, मतलब इसी में पूछ रहे हो क्या? यस सर, वो कर्व भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, कर्व क्यों नहीं हो सकता है यार, हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस मैंने जो बताया वो नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके सर। इवन मतलब तुमने शायद ये हार्मोनिक्स आते हैं बाजार में, हार्मोनिक्स में तो तेरा DT कर्व जो होता है वो ये वाला पाथ फॉलो करता है, ये इस तरीके का होता है ना, तुमने शायद सुना नहीं होगा इसके बारे में, आगे आएगा 11th 12th में, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके सर। ओके भाई ये लिख लिया तुमने, चलो यार एक इसका नंबर लाइन का क्वेश्चन करते हैं फिर एक इक्वेशन का। तो क्वेश्चन ये देखो, तो इसके नंबर लाइन के क्वेश्चन तो यार थोड़े आसान आते हैं, कोई इतने टफ आते नहीं है, पर आते हैं पता है, इसके नंबर लाएंगे, अपनी बुक में भी काफी दे रखे हैं इसके नंबर लाएंगे क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगला तुम ट्राई करना। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि नंबर लाइन है ये जीरो है, ये टेन है, ये ट्वेंटी है, ये थर्टी है, मान लो ये माइनस टेन है, मान लो ये माइनस ट्वेंटी है, मान लो ये माइनस थर्टी है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि एक पार्टिकल है माइनस ट्वेंटी पे, मैं बोलूँ कि पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, मान लो ए है, ये बी है, मान लो इसको 10 सेकंड लगे, मान लो फिर ये घुमा और माइनस टेन पे आया, मान लो ये सी है और मान लो इसको यहाँ पे भी 10 सेकंड लगे, तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि उसकी स्पीड क्या होगी ए से लेके सी तक। तो क्या होगी स्पीड, देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो देखो ए से लेके सी तक वो कितना चला, देखो 10 10 10, 30 तो नीचे चला, ऊपर कितना चला 10 और 10 20 ऊपर चला, चला कितना 50, और ए से लेके सी तक जाने में टाइम कितना लगा 10 सेकंड नीचे 10 सेकंड ऊपर, 10 और 10 कितने हो गए 20, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया कि आ गया? आ गया सर। पहले कोई डाउट है इसमें कि समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है तो एक क्वेश्चन तुम मुझे करके बताओ। ट्राई करो कितना आएगा। ए से लेके डी तक इसकी स्पीड कितनी है? सर ए से लेके बी तक उसको 10 सेकंड्स लगे और बी से सी भी 10 सेकंड्स ही है। हां और सी से डी भी 10 सेकंड्स लगे।
कितना आया? तो ए से डी कितना चला देखे, 10 10 10 10 50 यहाँ चला, फिर 30 यहाँ चला, फिर 10 10 40 यहाँ चला, तो 50 30 80 40 120 और नीचे कितना आ जाएगा 30, तो कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड। सब कहते आ रहा है कुछ और आ रहा है कि मेरा गलत आ रहा है? आया समझ में? कोई डाउट है आद्या हो जाएगा पहल, कोई डाउट है? यस सर। चलो यार इसमें कोई डाउट नहीं है तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, अ पार्टिकल फॉलोज अ पाथ, सॉरी अ पार्टिकल फॉलोज, वन सेकेंड सॉरी, मान लो कि तुम्हें दे रखा है कि इफ x इक्वल टू t स्क्वायर फाइंड स्पीड बिटवीन टाइम इक्वल टू 3 एंड टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आपको बोल रखा है कि x इक्वल टू टी स्क्वायर है, मतलब आपके पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है, देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन, तो मतलब अपने पार्टिकल का मोशन या तो x में होगा या y में होगा या z में होगा, तो जनरली अपन x की बात करते हैं। तो इफ x इक्वल टू टी स्क्वायर, आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 3 और टाइम इक्वल टू 5 के बीच में स्पीड क्या होगी। तो पहले आप चेक करो टाइम इक्वल टू 3 पे अपना पार्टिकल है का, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 मीटर आ गया। फिर चेक करो टाइम इक्वल टू 5 पे पार्टिकल का है, तो x इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। तो अब मैंने पूछा कि बताओ स्पीड कितनी है, तो आपको भी पता है स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो 3 सेकंड पे 9 पे था, 5वें सेकंड पे 25 पे पहुंच गया, तो कितना चला 25 माइनस 9 अपॉन टाइम कितना लगा, 5 में से 3 गए 2, तो 25 में से 9 गए 16, तो ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया कि आ गया? देखो तीसरे सेकंड पे 9 मीटर पे था, 5वें सेकंड पे 25 पे था, तो उसको 9 से 25 आने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे, और 9 से 25 आया तो चला कितना 25 में से 9 गए 16, तो 16 बाय 2 कितना होता है 8 मीटर पर सेकंड। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? आ गया अंशिका, क्लियर हुआ? यस सर। ओके तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन से पहले एक फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसका मतलब क्या है, मान लो t1 टाइम पे वो x1 पे है, मान लो t2 टाइम पे वो x2 पे है, तो डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1, टाइम कितना लगा t2 माइनस t1, लिख लो इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, इफ एक्स इक्वल टू 2^t फाइंड स्पीड बिटवीन टाइम इक्वल टू 2 एंड टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। ट्राई करो, कितना आ रहा है? सर 6 मीटर पर सेकंड। 6 मीटर कितना आ रहा है अंशिका? सर 6 मीटर पर सेकंड। आद्य तेरा भी 6 ही आ रहा है क्या? यस सर। वो मतलब करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। तो टाइम इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो 4, टाइम इक्वल टू 4 पे
x इक्वल टू 2^4 तो यह आ जाएगा तुम्हारा 4 × 4 16, तो 16 में से 4 गए 12, 4 में से 2 गए 2, तो ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड आ गया। आया तुम्हें समझ में कि हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, कि तुम्हें डाउट है? ओके, अब अपन बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। देखो तो यहां पे भी दो रूल है। पहला रूल तो ये कि स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और दूसरा रूल यहां पे भी यही है कि आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। यहां पे कर्व नीचे आ सकता है। कर्व नीचे क्यों आ सकता है? मान लो पार्टिकल तेज चल रहा है तो स्पीड ज्यादा होगी, पार्टिकल धीरे चल रहा है तो स्पीड कम होगी, तो कर्व नीचे आ सकता है लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, है ना। स्पीड टाइम ग्राफ में भी याद रखना कि अचानक ऐसा स्पीड कम और बढ़ नहीं सकती, वरना एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका वर्टिकल लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लिख लो अपनी कॉपी दो रूल, और फिर मैं ग्राफ बना रहा हूं, तुम्हें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताओ इसमें से कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। सर ए बी और सी करेक्ट है। ए तो गलत है बेटा, क्योंकि स्पीड नेगेटिव हो रही है। तो आपने बोला था ना इसमें ग्राफ में नीचे वाले क्वाड्रेंट में जा सकता है। कुछ भी, मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसे नीचे जा सकता है, स्पीड नेगेटिव कहाँ से होने लग गई यार। अब यार ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वर्टिकल लाइन बन रहा है, ये नहीं हो सकता। और कई रेफरेंस बुक में ये इसको करेक्ट मानते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि ये डायग्राम गलत है। तुम खुद थोड़ा सोचो कि यार यहाँ पे एक ही टाइम पे दो स्पीड कैसे हो सकती है यार। एक टाइम पे पार्टिकल की एक ही स्पीड होगी, दो कैसे हो सकती है ना। तो ये गलत है, ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा, अपनी शाम को डाउट क्लास है, ठीक है अंशिका, अपनी डाउट क्लास है शाम को, मैं तुम्हें टाइम भेज दूंगा, तुम डाउट्स निकाल के रखना, और पहल आती है तुम्हारे भी कोई डाउट्स है तो निकाल के रखना, ठीक है। ओके सर, टाइम टाइम मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो टाइम तो अपनी डाउट क्लास है कभी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरी एक्चुअली 6:30 टू 7:30 केमिस्ट्री की क्लास है। हां तो 7 मेरी क्लास वैसे भी 7:35 तक तो मैं भी खाली नहीं हूं, उसके बाद कभी भी अलग-अलग भी जुड़ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर।